डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक आपके लिए लेक्चर नंबर 7 करा दिए हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के, और जिसमें हमने कितने क्वेश्चन करा दिए हैं आपके लिए, 16 तक करा दिए हैं। आज आपके 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में आपके लिए, और आगे देखेंगे कौन सा है आंसर नंबर 17 का। 2 cos² 45 + 10² 60 - 6 sin² 45 - 10² 30 = 6। क्लियर है बेटे? तो देखो क्या करना है हमें, एक सेकेंड बेटे, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करने, टू प्रूफ, क्लियर है बेटे, प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। और इसे प्रूफ करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे बेटे, यहाँ पर आपकी किसी किसी बुक में यहाँ पर 10 30 दे रखा है, उसे क्या करना है, 10² 30 करना है, क्लियर है, स्क्वायर लगाना है। इसे आप सही कर लेंगे अपनी बुकों में, जो RBCA की है उसमें किसी किसी में ओनली 10 30 दे रखा है, करना क्या, 10² 30 लिखना है। तो देखो अब करेंगे क्या, हमारे लिए प्रूफ करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या ऐसी है, इक्वल होती है। तो देखो बेटे कैसे करेंगे, ऐसे हमने आपको बता दिया है कि प्रूफ करने के लिए जो बड़ी साइड होती है उसे लेते हैं, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे इसमें से, तो टेकिंग LHS, ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, 2 cos² 45 + 10² 60 - 6 sin² 45 - 10² 30, क्लियर है बेटे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बेटे हमें एक जो वैल्यू है इसकी क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू ही निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू को कल इसकी वैल्यू ही आ सकती है, तो हमें वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें बेटे पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज, क्लियर है बेटे, पुट करें। उसके बाद में देखो आगे, एक सेकंड बेटे, इसमें से तो देखो बेटे क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें वैल्यू, पुट करना स्टार्ट कर, 2 है तो बेटे 2 का तो 2 आ जाएगा, उसके बाद में cos² 45 को पीछे देखें क्या दे रखा है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/√2 होती है, और cos² कर रखा है तो बेटे इसकी वैल्यू की का वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ो, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 10² 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 10² 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3 होती है, और स्क्वायर कर रखा है तो इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट बंद है तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। आगे बढ़ो, माइनस का साइन है तो बेटे माइनस लगा दिया, फिर 6 दे रखा है तो 6, और इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट है तो बेटे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/√2 होती है, और साइन स्क्वायर कर रखा है तो इसका भी वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब साइन किसका है बेटे, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, 10² 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√3 होती है, 10² कर रखा है तो बेटे इसका वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ब्रैकेट बंद है तो बेटे ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्लियर है, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में हमने बता रखा है कि आपके लिए सबसे पहले जो स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 2 तो यूं ही आ जाएगा बेटे, ब्रैकेट स्टार्ट, 1+√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे। उसके बाद √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, छोटा वाला ही लगा दो बेटे। इसके बाद हम माइनस, तो माइनस 6 आया तो बेटे 6 रख दिया। उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, माइनस है तो माइनस, इसी तरह 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, क्लियर है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने आपको बता रखा है अकॉर्डिंग टू जो आपके लिए बोर्ड मास वाला फॉर्मूला बताया था,
तो बोर्ड मास वाले ने बताया था, अब हमें क्या करना है बेटे, ब्रैकेटों को सॉल्व करना है। ब्रैकेटों को करेंगे तो देखो टू तो यूं आ जाएगा। अब मैंने देखा बेटे इसमें कि हमारी दो वैल्यू दे रखी हैं जिनमें से एक प्लस में है, दोनों वैल्यू कैसी है प्लस में है, जिनमें से एक कैसी है बेटे हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब एक फ्रैक्शन फॉर्म में तो क्या करेंगे बेटे, इसमें हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा टू, एलसीएम ले दिया। उसके बाद में थ्री के नीचे हम क्या रख लेंगे वन, तो देखो टू से टू को डिवाइड किया वन बार, वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो कितना आ गया बेटे वन आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। वन से टू को डिवाइड किया टू बार, टू का मल्टीप्लाई थ्री से किया तो कितना आ गया बेटे सिक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस सिक्स है तो बेटे सिक्स रख दिया। और फिर हमने इस ब्रैकेट में देखा कि दोनों वैल्यू के बीच में क्या लग रहा है, माइनस का साइन लग रहा है, लेकिन दोनों वैल्यू किस में फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो बेटे इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया बेटे दोनों का सिक्स आ गया। इसके बाद टू से डिवाइड किया सिक्स को थ्री बार, थ्री का मल्टीप्लाई वन से तो बेटे कितना आ गया थ्री। साइन किसका है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। थ्री से सिक्स को डिवाइड किया टू बार, टू का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे टू आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है आगे देखो टू तो यहीं आ गया बेटे, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा वन प्लस सेवन, कितना हो गया बेटे हमारा सेवन अपॉन टू हो गया। वन प्लस सिक्स कितना हो गया सेवन हो गया, तो कितना आ गया सेवन अपॉन टू। क्या बेटे माइनस है तो माइनस लगा दिया, सिक्स है तो सिक्स कर दिया। अब थ्री में से टू गया तो कितना बच गया बेटे वन, और अपॉन में कितना है बेटे इसमें सिक्स है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में देखो बेटे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस टू से ये टू क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेवन, साइन माइनस का है तो माइनस का। इस सिक्स से ये सिक्स गया तो बेटे कितना बचेगा हमारा वन बचेगा। तो अब देखेंगे इधर सेवन में से वन गया तो कितना बचेगा बेटे सिक्स बचेगा। जो ये सिक्स है हमारी, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे सिक्स आ गई। ये किसके बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है, तो क्या लिखेंगे बेटे इधर राइट हैंड साइड, या कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। और हमें क्या करना था बेटे, ये प्रूफ करना था हमें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, तो यही हमारा क्या हो गया बेटे हैंस प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो बड़ी साइड होती है बेटे उसको ले लेते हैं, उसके बाद में उसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू भी हमारी जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ जाती है। इससे क्या हो जाता है हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर है बेटे? नहीं है तो नोट करो। तो देखो बच्चों अभी तक हमने 17 वाला किया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 वाला। क्या दे रखा है हमारे लिए, sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, फिर ब्रैकेट में ही है बंद कर दिया, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, ब्रैकेट बंद कर दिया। कहने का अर्थ है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में आपस में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, और इक्वल किसके प्रूफ करना है हमें टेन के। क्लियर है? प्रूफ डेट क्या करना है टेन के, मतलब हमें कहना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटे क्या है, कहने का अर्थ है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी टेन, तो हमें दिखाना है कि इसकी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, निकाल के टेन ही आएगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो देखो करते हैं बेटे आंसर नंबर एट, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 यही है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इक्वल कितना होता है हमारा tan होता है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है बेटे? तो हमें क्या लेना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए, टेकिंग एल एच एस, तो ले लो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45। क्लियर है बेटे? हमने क्या ले लिया एल एच एस ले ली। अब वही है बेटे, इसे प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी अपनी, तो क्या हो जाएगा पुट दी वैल्यूज, ठीक है, क्या कर दिया हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं बेटे, सबसे पहले sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू देखेंगे, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी
कितनी होती है sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3 होती है बेटे। स्क्वायर लग रहा है तो उसका क्या कर देंगे बेटे, हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे। cosec स्क्वायर 45, cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, रूट 2 होती है। स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या कर देंगे आपस में स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर बेटे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 2 यूं यूं आ रहा है तो 2 को यूं लिख देंगे। कॉन्स्टेंट राशि हमारी 2 है जो, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/2 होती है। प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1। प्लस है तो प्लस लगा दिया, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बेटे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, स्क्वायरों को हटाते हैं। 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर है बेटे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया। उसके बाद हम बेटे छोटा वाला ब्रैकेट लगा दो अब तो, और अब क्या, रूट टू का स्क्वायर है बेटे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब क्या बेटे ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे बेटे, इस 2 से ये 2 खत्म, ये इस 2 से ये वाला क्रॉस हो गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। फिर क्या बेटे, प्लस के बाद 1 है, फिर क्या प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया, फिर क्या है एंड में हमारा 1 है। क्लियर है, अब ब्रैकेट बंद है तो बेटे ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा बेटे ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो ब्रैकेटों को सॉल्व करने से पहले क्या देखा हमने, इस ब्रैकेट में 2 नंबर्स दे रखे हैं, प्लस का साइन है, लेकिन एक नंबर कैसा फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो इसे कर लेंगे साथ में फ्रैक्शन फॉर्म में। तो क्या लिख जाएगा बेटे, एलसीएम ले देंगे, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 के नीचे मान लिया मैंने 1, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आ गया बेटे, 6 आ गया। ब्रैकेट बंद, और इस ब्रैकेट का कितना सम आ गया बेटे, 3 हो गया। क्लियर है, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखेंगे 4 और 6 कितना होता है बेटे, 10 अपॉन 3, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है बेटे, 3 मतलब मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 3 से बेटे ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, इस 3 से ये गया तो कितना बचा हमारा बेटे, 10 बचा। और हमारी जो क्या है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, 10 इक्वल राइट हैंड साइड, या लिख सकते हैं LHS इक्वल होता है हमारा RHS के। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक समझ में आया बेटे क्या कर रहे हैं हम, ओनली ये कर रहे हैं बेटे जो हमें प्रूफ करना है, बड़ी साइड जो होती है उसे ले लेते हैं, उसकी क्या कर देते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जैसा कि हमने देखा कि बड़ी साइड है लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसके बाद में उसमें वैल्यू पुट कर दी, उसकी हमने क्या निकाल ली, वैल्यू, जो वैल्यू हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, उससे हमारा क्या हो जाता है बेटे, प्रूफ हो जाता है। क्लियर है, नहीं है तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया है। क्लियर है, अभी तक समझ में आया सभी की में, ओके। तो देखो अब 19 वाला करते हैं, क्या दे रखा है हमारा, 1 - sin 45 + sin 30, और फिर दे दिया है दूसरे ब्रैकेट में 1 + cos 45 + cos 60। क्लियर है यहाँ तक, अभी तक ये हमने नोट कर लिया है। हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है कि जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या बेटे, 45 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होगी, या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो बेटे करने के लिए हमें इसे इसके भी बराबर प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करने में थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। उसमें क्या करते हैं कि बड़ी वाली साइड को लेकर चलते हैं, उसे छोटा बनाने में देर नहीं लगती है। क्लियर है, नहीं है तो इसे क्या करना है, ओनली इसकी वैल्यू में पुट करना है इसे। ठीक है, वो वैल्यू किसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है, प्रूफ हो जाता है। यही है ना, चार स्टेप है हमारे, रटे रटाई वही वाले। तो क्या करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लो बेटे, टेकिंग एल एच और एस, तो देखो बेटे लो, 1 - sin 45 + sin 30, ब्रैकेट में हो गया, सेकंड हो गया, 1 + cos 45 + cos 60 ले लिया। तो अब क्या करना है बेटे, वैल्यू पुट करेंगे, जब भी तो वो वैल्यू आएगी इसके बराबर। तो देखो करो वैल्यू पुट, पुट दी वैल्यूज, तो करते हैं बेटे, करें स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में बेटे 1 है तो क्या कर दिया हमने, 1 लगा दिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 45 क्या है बेटे, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया,
साइन 30 कितनी वैल्यू होती है बेटे, 1/2 होती है। कितनी वैल्यू होती है बेटे, 1/2 होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो अब लेते हैं सेकंड वाला ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। क्या बेटे, 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। प्लस का साइन है तो प्लस कर दो। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/2 होती है। क्लियर है बेटे, यहाँ तक ओनली वैल्यू पुट की है हमने, ठीक है। जैसा कि हमारे लिए देता जाए वैसे ही हम आगे करते चलते हैं। तो देखो बेटे क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट वाली नंबर्स को साइड में ले लेता हूँ, इन दोनों को सम कर लेता हूँ बेटे। क्लियर है, तो देखो ये 1 है और ये आधा है। कहते हैं ना 1 रुपये और 98 कितनी हो जाते हैं बेटे, 1.5 रुपये हो जाते हैं। तो लिख दो मैं से 1.5 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1.5 रुपये, मतलब 3/2। 3 का हाफ ही तो होता है 1.5, हो गया नहीं हो गया। चाहे आप इन दोनों को क्या करें, एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, ठीक है बेटे। हर बार करने आते हैं, नहीं तो डायरेक्टली अगर माइंड क्रिएट करें तो कर सकते हैं बेटे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये 1 रुपया हो गया, ये हमारा आधा रुपया हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। तो बेटे 1.5 रुपया हो जाएगा। 1.5 रुपये को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में क्या है, साइन माइनस का है तो माइनस का रूट वाली को रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करें उसी तरह, फिर देखो बेटे रूट वाले को छोड़कर इन दोनों को देखो, ये 1 रुपया और ये 98 कितने हो गए, 1.5 रुपये हो गए। तो 1.5 रुपये को कैसे लिख सकते हैं, 3/2, प्लस का साइन है तो प्लस का, और 1/√2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो बेटे इन दोनों को कर सकते हैं प्लस एलसीएम लेकर के। क्लियर है, इतना ही आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। तो देखो बेटे अब क्या बन गया मेरा, कुछ दिख रहा है आपको इसमें, 9th क्लास में पढ़े बेटे फॉर्मूले, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या बन गया बेटे, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है बेटे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता है। तो देखो करो फिर, a माइनस बी a प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या बेटे हमारा यहाँ पर, 3/2, क्या कर देंगे बेटे उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट स्टार्ट करके, फिर हमारा क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, बी स्क्वायर। बी क्या है बेटे हमारा, 1/√2 है बी, तो बी का क्या कर दिया बेटे स्क्वायर, तो उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये करो, स्क्वायर को खोलेंगे, खोलो तो क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर को खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे, 9, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 4। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 2। क्लियर है बेटे, दोनों का स्क्वायर कर दिया है। अब क्या करें, क्या दे रहे हैं बेटे, दोनों नंबर्स हैं, दोनों भी साइन कैसा है, माइनस का है। मैंने कहा है कि 2 नंबर्स दे रखे हैं अगर प्लस माइनस का साइन है, और उनमें से कोई सा भी कम से कम एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो क्या लेते हैं, एलसीएम। जबकि यहाँ तो दोनों ही नंबर किस में देती है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिए, तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लो बेटे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटे, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 से 4 को डिवाइड किया तो बेटे 1/1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, 9। माइनस है तो माइनस कर देंगे, 2 से 2, 4 को डिवाइड किया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया बेटे, 2। तो अब कितना आ गया बेटे हमारा, 7 बच गया ऊपर, नीचे हो गया 4। तो ये किसके बराबर वैल्यू हमारी, राइट हैंड साइड के। तो क्या करेंगे बेटे, आर एच एस तो इक्वल लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। यही हमारा क्या हो गया बेटे, हैंस प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे हम बता देंगे आपको क्या दिक्कत कैसे सॉल्व करनी है। क्लियर, नोट करो। तो देखो बच्चों अभी तक हमने 19 कर लिए हैं, 20 वाला क्वेश्चन करते हैं हम आगे। 20 वाला क्या दे रखा है हमारे लिए, कॉस स्क्वायर 0 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 इक्वल, प्रूफ करना है 2 sec² 45 माइनस 10² 60 के इक्वल। हमें ये क्या करना है बेटे, प्रूफ करना है। तो जैसा कि हमने बता दिया है बेटे आपके लिए कि हमने अभी 14 क्वेश्चन भी कराया था, अभी तक जो हमने 19, 18 ये क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या दे रखा था, एक लेफ्ट हैंड साइड देता, दूसरी राइट हैंड साइड में वैल्यू देता था। तो क्या करते थे,
लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के उसकी वैल्यू निकाल देते, उसके इक्वल आ जाती थी तो प्रूफ हो जाती थी। अब इसमें क्या दे दिया है, सेम 14 की तरह हमने जब 14 क्वेश्चन में बता दिया है कि इसमें बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दे दिए, इसमें राइट हैंड साइड पर कोई वैल्यू नहीं दी है। तो क्या करना है बेटे, हमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो जाएंगी इक्वल, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसमें हमें दोनों ही साइडों को सॉल्व करना है। अगर हमारे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती तो ओनली एक साइड को प्रूफ कर देते हैं, इसमें दोनों साइड दे रखी हैं तो बेटे दोनों साइडों को ही हम लेकर के चलेंगे। तो देखो बेटे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग LHS cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90, यही है बेटे। तो देखो लेते हैं क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट कर दें इसकी, पुट दी वैल्यूज। तो करो बेटे फिर कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 के वैल्यू कितनी होती है बेटे 1 होती है, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिए, कांस्टेंट राशि दे रखी है 2 तो नोट कर दिया, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे रूट 3 होती है, स्क्वायर कर रखा है तो इसकी वैल्यू का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, 3 है तो बेटे कांस्टेंट राशि है उसे यूं ही नोट कर दिया 3 को, उसके बाद में बेटे कोई साइन नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, कोसेक उसका 90, कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर हो रहा था तो बेटे इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो बेटे स्क्वायर हम कटाएंगे सबसे पहले, 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 1 माइनस तो माइनस 3, 2 को तो ये रहने दो, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर को किया तो बेटे कितना आ जाता है इसका 3 हो जाता है, प्लस है तो प्लस 1 तो 1 बेटे सॉरी 3 का 3 कर दिया नोट, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। आप सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, 1 का 1 आ गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो बेटे 6 हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया, इधर 3 है तो बेटे 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया 3। तो देखेंगे 3 प्लस का है 1 प्लस का है तो प्लस के कितने हो गए बेटे 4 और माइनस का कितना हो गया 6, अब कितना बच गया बेटे माइनस का 2। क्लियर है, तो हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसे दे देते हैं बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं बेटे आपके लिए राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी हो गई ये आ गई वैल्यू, अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, क्लियर। तो देखो करो 2 sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, यही है ना बेटे। तो क्या करना है इसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, और कब निकलेगी वैल्यू बेटे इनकी वैल्यू पुट कर दें जब तो निकालते पाएंगे इनकी, पुट दी वैल्यूज। तो करो बेटे आगे 2 है तो बेटे 2 को कर दिया नोट, उसके बाद हम ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को स्टार्ट कर दो, फिर क्या दे रखा है बेटे sec स्क्वायर 45, क्या दे रहा है sec स्क्वायर 45 कितनी वैल्यू होती है sec स्क्वायर 45 को बेटे रूट 2 होती है, स्क्वायर लग रहा है तो बेटे क्या कर देंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का कर दिया, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे रूट 3 होती है, स्क्वायर हो रहा था बेटे इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अब वही है बेटे सबसे पहले क्या बताना स्क्वायर को सॉल्व करना है, 2 तो यूँ ही आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है बेटे 2 आता है, माइनस का साइन है तो माइनस का कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। उसके बाद में आपको बताया बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 तो फिर यूँ ही आ जाएगा बेटे, और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं प्लस का 2 है माइनस का 3 है तो कितना बच गया बेटे माइनस का 1 बचेगा, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे माइनस का 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटे हमारे माइनस 2 आई है, लेफ्ट हैंड साइड की भी कितनी आई है माइनस 2 आई है। तो देखो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे हमारे, हमने देखा कि इसकी भी वैल्यू कितनी है माइनस 2, इसकी भी कितनी है माइनस 2, तो क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है हमारे किसके बेटे राइट हैंड साइड के, ये क्या हो गया हमारा बेटे
हैंस प्रूफ हो गया, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसी हैं आपस में सेम आई हैं। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना? अगर किसी को कोई दिक्कत भी हो बेटे, कोई परेशानी हो रही हो, कोई नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मिलेगा यहाँ पर। और इससे आगे वाले क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।